क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि बाइचुंग के पिताजी उसके दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं और उससे 29 वर्ष बड़े हैं। यदि इन तीनों की आयु का योग 135 है तो इन तीनों की अलग अलग आयु अपने को ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले अपन यहाँ पर मानेंगे कि माना बाइचुंग की आयु, माना बाइचुंग की आयु, बाइचुंग की आयु कितनी है? बाइचुंग की आयु वो एक्स मान लेते हैं। अब उसके पिताजी दादाजी से जो 26 वर्ष छोटे हैं और उससे कितने बड़े हैं? 29 वर्ष बड़े हैं। तो यहां पर बाइचुंग के पिताजी, तो पिताजी की आयु कितनी हो जाएगी? पिताजी की आयु कितनी हो जाएगी बताओ? एक्स प्लस 29 हो जाएंगे क्योंकि उससे कितने बड़े हैं? 29 वर्ष बड़े हैं। तो इस तरीके से एक्स प्लस 29 हो जाएगी। अब दादाजी की आयु कितनी हो जाएगी बताओ? एक्स प्लस 29। देखो ये तो पिताजी की आयु हो गई और पिताजी उसके दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं, तो 26 वर्ष दादाजी से छोटे हैं तो अगर दादाजी की आयु प्लस 26 ऐड करना पड़ेगा, तो दादाजी की आयु कितनी हो जाएगी? इस तरीके से ये जोड़ देंगे तो 26, तो दादाजी की आयु हो जाएगी यहाँ पर ये वाली। अब इन तीनों की आयु का योग दे रखा है, तो इन तीनों यदि उन तीनों की आयु का योग मतलब इसको इसको और इसको इन तीनों तीनों पदों को इसको जोड़ना है और 135 के बराबर करना है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले तीनों की आयु का योग करते हैं, तो एक्स प्लस 29 और प्लस एक्स प्लस 29 प्लस 26 कितना? 26 बराबर 135। तो यहां पर सबसे पहले यहां इन तीनों को जोड़ते हैं तो यहां पर अपने पास 84 आ जाते हैं। देखो कैसे आते हैं मैं बता देता हूं। एक्स और एक एक्स और एक एक्स, दो एक्स और एक एक्स, तीन एक्स, 29 और 29 58, 58 और 26 हो गया मेरे पास 84। तो ये प्लस 84, संख्या संख्या को जोड़ना है और एक्स एक्स वालों को जोड़ना है। इधर अपने 135 हो गए। अब यहाँ पर 135 हो गए तो ये देखना एक्स का मान निकालना है, तो जिसका मान निकालना वो अकेला रहना चाहिए बराबर की तरफ, बाकी को उधर भेज दो। तो इधर कितना बच गया? 3x और इधर 135 माइनस 84x। तो यहां पर ये प्लस का था बराबर के उधर गया तो किसका हो गया? माइनस का हो गया। अब 135 में से 84 जाते हैं तो कितने आते हैं? 51 आते हैं। कितने आते हैं? 51। तो यहां पर सबसे पहले आप नॉर्मल से बाकी निकाल के आप देख सकते हो। तो एक्स का मान निकालना, तो एक्स के ये गुणे में बराबर के उधर जाएगा तो किसमें चला जाएगा? बाद में चला जाएगा। अब 3 के बारे से 51 को काटो, कितने बार कटते हैं? 43 53 54 नहीं, तो 3 के बारे से भाग लगा के देख लो आप, 5 और 1 ये 3, एक बार गया कितने है? 3 आए, 2 बचे, यहां पर 1 आया 7, 17 17 17 34 37 51। तो 3 बार में ये पूरे कट जाते हैं तो कितने आ जाते हैं? 17। तो इसका अगर भाग देने पर तो 17 आ गया। x का मान कितना आ गया अपने पास? 17 आ गया। तो यहां पर अपने को कुछ है तीनों की अलग अलग आयु ज्ञात करनी है। तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि बाइचुंग की आयु कितनी है? x, तो x का मान कितना आ गया? 17। अब उसके जो फादर हैं उनकी आयु कितनी है? x प्लस 29, तो कितनी हो जाएगी बताओ? 17 प्लस 29 ये कितने हो गए? 6 और यहां पर 4, 46। तो पिताजी की आयु कितनी हो जाएगी? 46। और ग्रैंडफादर दादाजी की आयु कितनी हो जाएगी? x प्लस 29 प्लस 26। तो आपको बताना है ये देखो यहां पर इसकी आयु कितनी हो जाएगी यहां पर, तो x का मान 17 रख देंगे, 29 और ये यहां पर 26। तो यहां पर ये तो हो गए अपने पास 51, कितना हो गए? 29 और 26 जोड़ लेते हैं इनको, कितने आ जाते हैं अपने पास? नॉर्मल सी बात है जोड़ना, तो यहां पर इसकी आयु आ जाएगी जोड़ने पर
72 वर्ष कितनी आ जाएगी 72 वर्ष। तो इस तरीके से आप तीनों की आयु निकाल सकते हो, बाईचुंग की आयु तो 17 आ गई और इसके पिताजी की आयु 46 आ गई और इसकी आयु कितनी आ गई 72 आ गई। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। वैसे क्वेश्चन खत्म कहां हो जाता है, यहीं पर हो जाता है। फिर x का मान इन समीकरणों में उठा के रखना है, जोड़ के लिखना है।